हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल। और मैं हूँ प्रियंका, और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। तो अगर ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और बेल बटन को ज़रूर से हिट कर देना, ताकि सारे वीडियोज़ जो भी मैं पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँचते रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं CTM प्रोसेस पहले ही कर चुकी हूँ, लाइक क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग के लिए मैंने फेस वॉश से फेस को वॉश कर लिया था। टोनिंग के लिए जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ अपना होममेड टोनर, उसको यूज़ किया था। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का सनस्क्रीन, जो एज अ सनस्क्रीन और एज अ मॉइस्चराइजर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो CTM के बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। ये है eidmakeup प्राइमर और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। नाउ मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। सो इसको थोड़ा सा शेक कर लूँ, इसको मैं थोड़ा अपने हाथ में ले लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फेशियल ऑयल, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो उसको ड्राइनेस ज़्यादा ना हो और बेस थोड़ा अच्छा हो, तो इसीलिए मैं इसमें फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। सो इसको मैं फेशियल ऑयल के साथ मिक्स करके फिर मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। तो अब मैं इसमें अपने फेस पे डॉट 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 करके अप्लाई करूंगी। नाउ मैं ले लूंगी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको मैंने गीला किया था और उसको फिर सोक किया, तो इसी से मैं अपने फाउंडेशन को डैप करूंगी अपने पूरे फेस पे। नाउ फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट कर दूंगी, ताकि ज़्यादा ऑयली बेस ना लगे और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक हो जाए। नाउ फाउंडेशन के बाद मैं लिप बाम लगा लूँगी, क्योंकि मैं उसको भूल गई थी। सो लिप बाम पहले लगाने से क्या होता है कि आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, तो अगर आपको कोई लिक्विड लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपको फील नहीं होती है। सो लिप बाम को यूज़ कर लेना चाहिए हमेशा से पहले। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, ये है NYB का हाइलाइटर, तो मैं इसे हाइलाइट कर लूँगी। हाइलाइटर जो है वो आपके फेस को इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है। हाइलाइटर के बाद मैं यूज़ करूँगी एक आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रोज के लिए। लाइक आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं है, सो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें पेंसिल से इसको थोड़ा सा शेप करने की कोशिश करूँगी। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का आईब्रो पेंसिल। इसमें एक साइड में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट और दूसरी साइड में आपके पास होगा स्पूली। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा शेप करने की कोशिश करूँगी। फिर मैं थोड़ा इसको स्पूली से कॉम कर लूँगी।
नाउ इसको मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं दे रही हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल काइंड ऑफ लगे। सो आईब्रोज के बाद मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर से। नाउ ये एक नया प्रोडक्ट है, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो ये मेरा फर्स्ट ट्राई होगा आज। सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। नाउ ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का पाउडर है ये, और इसको मैं सेट कर लूँगी अपने फेस को इस पाउडर से। इस पाउडर को यूज़ करने के बाद थोड़ा मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लाइक ये कैसे वर्क करता है। सो मेरा फेस अच्छे से सेट हो गया है, तो इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर अपने आईलिड्स में। नाउ मैं अपने फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से ही अपने आईलिड्स को सेट कर लूँगी। मैं सेट कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने आईलिड्स को। सो एक आई शेडो ब्रश से मैं ले लूँगी ये एक ब्राउन कलर का आई शेडो, और इसको मैं अपने पूरे आईलिड्स में पैट करूँगी। जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और आपको ब्लेंड करना है। ये एक डार्क कॉपर कलर का शेड है जो ब्लैक के साथ बहुत ही प्यारा लगता है, सो मैं यही वाला शेड बस ले रही हूँ। नाउ इसके बाद मैं ले लूँगी ये एक ब्राउन कलर का शेड, और इसको मैं अपने लोअर लाइन में थोड़ा स्मज आउट करूँगी। नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक आईलाइनर। नाउ इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ये है शुगर का मस्कारा। इसको मैं अपने लोअर लैशेस में भी अप्लाई कर लूँगी। सो मैं थोड़ा सा और कलर जो है वो पॉपअप कर दूंगी अपने आईलिड्स में। नाउ इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एक मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे के बाद मैं अप्लाई करूंगी एक ब्लश। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एक हाइलाइटर, यह है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, इसका मैं रिव्यू आपके साथ कल शेयर कर चुकी हूँ।
थोड़ा सा ब्राउन बोन में, थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स में, सो उसके बाद पूरे फेस को थोड़ा सा डस्ट कर देंगे, लाइक जो भी एक्सेस होगा वो सारी चीज़ें निकल जाए। और इसके बाद मैं फिर से एक बार मेकअप सेटिंग स्प्रे को यूज़ करूँगी। सो हमारा फेस मेकअप हो गया है कंप्लीट। नाउ इसके बाद मैं एक लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिप्स पे एक्सेस लिप बाम है तो आप उसको रिमूव कर लीजिए। सो आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक। नाउ ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगी, पैट डाउन करूँगी। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी एक पिंकिश कलर का लिपस्टिक। इसके बाद मैं इयररिंग्स पहन लूँगी अपनी। मुझे अपनी लोअर लाइन थोड़ी सी खाली खाली लग रही है, तो उसमें मैं थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लूँगी।